वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स एंड जुलाई सेशन। तो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, डिटेल्ड वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो आपको लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से जाके पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो इसका आप जारी कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट डिटेल्स, इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि इस पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो फ्रेंड्स, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा से रिलीज़ की हुई, और इसके लिए जो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स है, वो 55% होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स भी जो है वो अवेलेबल चलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स भी जो है वो इनफ है, और 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दो प्रकार का आप इसका स्टेज रहने वाले हैं। फर्स्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट और सेकंड आपका रहने वाला है इंटरव्यू, जिसे आप प्रेजेंटेशन के नाम से भी जान सकते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट है वो NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, एक नेशनल लेवल अक्रॉस द कंट्री का एग्जामिनेशन करवा के, ठीक है। और द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अपियर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन NTA's वेबसाइट। तो जो भी अपियर कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने इस NTA के द्वारा कंडक्ट किए गए एंट्रेंस टेस्ट को पास करते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो NTA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो रिलीज करता है। और इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो गेन करने होते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज को, और 45% मार्क्स गेन करने होते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स को, और डिफरेंट एबल्ड पर्सन्स यानी कि फिजिकल हैंडीकैप पर्सन्स के लिए भी 45% मार्क्स है जो आपको गेन करने होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ किस प्रकार से आपको इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो आप सभी को पता है। आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपसे जो भी डिटेल्स मांगी जाए उन डिटेल्स को भरकर फिर सबमिट करना है। उसके बाद जो भी इमेजेस अपलोड यानी कि सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन एंड आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। सेकंड आपका जो स्टेप रहता है वो इंटरव्यू रहता है यानी कि प्रेजेंटेशन। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू प्रेजेंटेशन बाय सिंपोसिस विवर द डिसिप्लिन स्पेसिफिक डॉक्टर रिसर्च कमेटी। एक स्पेसिफिक डॉक्टरल रिसर्च कमेटी होती है, वो आपके इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन को लेती है। उसके बाद ऑफर लेटर्स फॉर एडमिशन विल बी सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। तो ऑफर लेटर्स जो है वो सेंड किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को जो कि इनमें सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं, और ये टिल रहेंगे 23rd of March तक, यानी कि 23 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड जो है वो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर 9 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे, और इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 29th April 2020 को होने वाला है। डिक्लेयर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, तो वो 8 मई को आपका एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। 1000 रुपये आपके जनरल और OBC कैटेगरीज़ के लिए, और 800 रुपये SC ST और EWS कैटेगरीज़ के लिए इसकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा एम था, जो उद्देश्य था, वो यही था, यही आपको बताना था कि इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, वो जारी हो चुका है इग्नू का यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने नीचे दे दिया है, उसमें आपके एग्ज़ाम कोड और स्टेट कोड वगैरह भी है, और कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और इससे रिलेटेड और भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।